कहाँ से आया फ्लॉप शो करने का? आई थिंक इसका क्रेडिट सारा जसपाल जी को जाता है कि जो वो सोच थी। उस उल्लू की हिम्मत तो देखो, मेरे जीते जी मेरी बीवी से शादी के सपने देख रहा है। एक दिन किसी का फोन आया कि मैं मिस्टर कमल हसन बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में कोई फिल्म बनाना चाहता हूँ। केजरीवाल जी का फोन आया जसपाल जी को कि भट्टी साहब आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, आपने तो ये मुहिम शुरू की है, यू शुड बी इन दिल्ली। फिर जसपाल जी ने दिल्ली जाके फॉर अ शॉर्ट टाइम वो भी वहाँ जाके बैठे थे। फिर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका होस्ट अंकित और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड नाउ का आज स्पेशल पॉडकास्ट। जी हाँ, मैं आज जिनके साथ हूँ उन्होंने करीब 35 सालों से खुद भी और अपने इलस्ट्रियस हस्बैंड के साथ हमें बहुत एंटरटेन किया है, बहुत कुछ सिखाया है। आज हमारे शो में हैं एंटरप्रेन्योर, एक्टर, राइटर, कॉलमनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और गिनती खत्म हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा अगर हम इनके बारे में और बताएंगे। मेरे साथ स्वागत करिए मिसेज सविता भट्टी जी का। सविता जी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। इतनी लंबी इंट्रोडक्शन पे लग रहा था मैं मेरी बात हो रही है। मैं तभी कहा कि टाइम निकल जाएगा लेकिन इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हो सकती। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। मैम बहुत लंबा आपका करियर ऑलरेडी है और करीब करीब 40-45 साल जितना बड़ा करियर है, लेकिन आप और जसपाल भट्टी साहब आप ही एक लौते शायद कपल होंगे जिनका करियर फ्लॉप से स्टार्ट हुआ है और वो खुश हैं, दुनिया खुश है और कोई भी माइंड नहीं करता। तो मैम ये शुरुआत क्योंकि आपकी दिल्ली से हुई थी, आप दिल्ली गर्ल हैं एक तरह से। मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो मैं केंद्रीय विद्यालय, आई स्टडीड इन दी सेंट्रल स्कूल्स, और दिल्ली का ऐसा कोइंसिडेंस था कि जब मेरे फादर की सबसे पहली पोस्टिंग हुई तो आई वाज बोर्न इन दिल्ली, सेकंड टाइम हुई तो आई स्टडीड देयर इन जीसस एंड मैरी, थर्ड टाइम आई गॉट मैरिड देयर। सो ऐतिहासिक दिल्ली से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आपका तो, और अभी फैमिली में आपके मेंबर भी कहीं दिल्ली एनसीआर में है तो अभी दिल्ली से कनेक्शन छूटा नहीं है। छूटा नहीं है। पर कैसे थे वो दिन, बिकॉज उस टाइम के बारे में बताएं, दिल्ली कैसा था और फिर आप जसपाल जी से कैसे मिले? दिल्ली जब हम व्हेन आई रिमेंबर एज अ यंग गर्ल जब दिल्ली डैडी की पोस्टिंग हुई तो पहले एक आधा साल तो डिफिकल्ट क्योंकि हम पूना से आए थे छोटे शहर से, तो वो एक बड़ा शहर, उसकी एक दिक्कतें, कॉलेज ट्रैवल करना बसेस में एंड यू नो द काइंड ऑफ ईव टीजिंग एंड थिंग्स, बट आई थिंक वो एक आपकी एक बिल्डिंग अप एक्सरसाइजेस होती हैं टू मेक यू कि आप जिस तरह के इंसान आप बनोगे आगे जाके, ये सब चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं। एंड मेरे एक सिविलियन एरिया में हम पहली बार रह रहे थे क्योंकि इससे पहले हम हमेशा एक एयरफोर्स स्टेशन्स की जैसे कैंटोनमेंट्स में रहते थे, तो ये पहली बार था कि हम एक सिविलियन, सो एक बहुत चीज़ों के लिए आपका नज़रिया यू नो आंखें खुली कि ऐसे होता है ये होता है, और एक जो एक प्रोटेक्टेड फीलिंग थी वो फर्स्ट टाइम वी सॉ दैट डिसअपीयर है ना। एंड उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग कसौली हुई, सो आई स्टार्टेड टीचिंग देयर, मैं वहाँ पढ़ाना शुरू किया, फिर दिल्ली दोबारा ये आए। जब दिल्ली दोबारा आए और मैं बिरला विद्या निकेतन में पढ़ा रही थी तो किसी ने, हमारे अंकल थे तो उन्होंने रिश्ता बताया कि वो यहाँ चंडीगढ़ में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में थे, पीआर थे, तो उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ साहब भी चंडीगढ़ में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे बिजली महकमे में, तो उन्होंने मेरे फादर को बताया कि ऐसे ऐसे भट्टी साहब हैं और उनका जो बेटा है अभी ही इज़ मतलब जसपाल जी का नाम लेके कि ही इज़ स्लोली नाउ मतलब बहुत अच्छे मतलब ख्यालों और सोच वाले निकल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जसपाल जी का कार्टून शुरू ट्रिब्यून अखबार में शुरू हुआ था, तो पीपल वर गेटिंग टू नो हिम, सो वो रिश्ता बहुत लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज है, अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट टू डिसअपॉइंट एवरीबॉडी, 100% कोर अरेंज्ड मैरिज, और फिर फैमिलीज ने आपस में बात की एंड इन मार्च 85
हमारी शादी हो गई. उसके बाद फिर देन आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़, और अब चंडीगढ़ ही घर है. तो बहुत आपको जब आपने पहली बार आपसे उनसे बात करी थी, आपकी मीटिंग हुई थी, या पहली दूसरी बार मीटिंग हुई थी, आपको लगा था ये बहुत फनी है, या उस टाइम उन्होंने भी थोड़ा सा कर्ब किया हुआ था अपने आपको कि बाद में दिखाएंगे क्या? नहीं, जसपाल जी रियल लाइफ में तो बहुत, आई वुडंट से बहुत सीरियस, बट वेरी क्वाइट, और बहुत एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. इससे पहले कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन पे भी आप उनको ओवर द टॉप कभी नहीं, यू कुड नेवर सी हिम दैट, है ना. वो खुद हंसाते थे तो एक जेंटल सी मुस्कान एक चेहरे पे आती थी. इससे पहले मैं जसपाल जी को बिफोर शादी से पहले मैं इनको टीवी पे देख चुकी थी. okay. और वो बहुत ज़्यादा कोई वो मतलब सुखदाई कोई वो था नहीं. हम जब कसौली में थे तो उस टाइम पे टेलीविजन का वो दौर था कि चित्रहार प्रोग्राम आता था. सो आपके वो पांच छह गाने फिल्मी गाने, और आप सारा हफ्ता उसकी वेट करते कि अब आएगा, बिकॉज वही आपका एक डोज ज़्यादा होता था एंटरटेनमेंट का. तो एक बारी कसौली में बैठे तो दो तीन गाने जब ख़त्म हुए तो देखा कि एक सिख जेंटलमैन आके कुछ बोल रहे हैं, एंड लाइक आई वाज ये कौन है गानों के बीच में, आई मीन गानों के बीच में ये कौन से टाइम है, और सुना ही नहीं. तो वो जसपाल जी थे. उनका प्रोग्राम का नाम था रंग चिपंग, मतलब रंग में भंग डालने वाला, जो आपके लिए हो गया था उस समय. हो गया टोटली. सो अगले हफ्ते आपको लगा कि वो चलो इट्स अभी एक बार ही हुआ, अब नहीं होगा. सेकेंड वीक अगेन ही वॉज देयर, थर्ड वीक अगेन. सो तीसरे चौथे हफ्ते पे आपने सोचा कि अब एक बार इनकी बात सुन ही लेते हैं, अगर आई जा नहीं रहे तो सुन ही लें. सो जब मैंने सुना उनको, तो कभी मैंने ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी. इट वॉज लाइक लिटरली कि जैसे आपकी यू नो मुँह खुला रह जाता है कि ये शख्स क्या बातें कर रहा है, वॉट इज़ ही सेइंग. एंड दैट वॉज वेरी इम्प्रेसिव. उसके बाद मैंने इनका इंडिया टुडे, उस टाइम पे मैगजीन, उसमें मैंने इनका एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर में ब्राइड बर्निंग सेरेमनी की थी. कि जैसे हम शादी रचाते हैं वही यू नो द पॉम्प और ये सारा ढोल ढमाका, और बट उसमें बराती भी आए, सब कुछ हुआ. एक तरफ लोगों ने वो पेट्रोल की केरोसिन की कैनी पकड़ी, और एक तरफ वो एक गुड़िया बनाई हुई थी. क्योंकि उस टाइम पे डाउरी बहुत चल रही थी. हाँ, अभी भी चल रही है, बट अभी थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, थोड़ा सा एक्टिविज्म आया है, और आई थिंक अग्रेसिव लोग अप्रोच करिए उसके अगेंस्ट थोड़ा अग्रेशन आया है. आई थिंक अभी भी चल रही है, बट इन अ वेरी डिस्क्रीट वे. बट उस टाइम पे मतलब आप यू आर आस्किंग फॉर इट, है ना. तो वो जला के इन्होंने फिर उसको पुतले को जला दिया था, कि दैट वी यू नो, एंड प्रॉपर कार्ड्स प्रिंट हुए थे कि आप इनवाइट. दैट वाज वन ऑफ नॉनसेंस क्लब्स फर्स्ट एक्टिविटीज, वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी. तो वो मैंने खबर इंडिया टुडे में पढ़ी थी. सो मैं शादी से पहले थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन उठ चुका था, बट दैट ही इज़ फनी या ह्यूमरस है, क्योंकि मैंने वो साइड अभी इतना देखा नहीं था. एंड उस टाइम पे जसपाल जी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एसडीओ थे, कार्टूनिस्ट थे. तो मेरे फादर बहुत, फादर मेरे इंजीनियर, मेरे इधर फादर इन लॉ साहब इंजीनियर, तो वो उनको बड़ा था कि इंजीनियर का इंजीनियर जो आई आ रहा जी, प्लस कार्टूनिस्ट है. सो दैट वॉज वेरी इम्प्रेसिव. सो 85 में हमारी शादी हुई, और शादी हुई तो जसपाल जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप और पढ़ो. सो मैंने उसी साल दो तीन महीने के बाद ही आई क्लियर्ड माई डिप्लोमा जर्नलिज्म के एंट्रेंस एग्जाम्स इन द पंजाब यूनिवर्सिटी. सो कहीं मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मुझे वो कह रहे भूल भी जाता है, बट जब डिग्री टेक्निकली टेक्निकली तो जर्नलिस्ट भी है. So, अभी मुझे लगता है और कुछ चीज़ें पता लगी जो हमें नहीं पता है. सो मैं जर्नलिज्म का मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया. आई डिड थोड़े मतलब आई थिंक पाँच छः महीनों के लिए बीच बीच में लेगा, और मुझे हमेशा लगता था कि ना किसी दिन कोई बहुत अच्छा मौसम होगा तो कोई इंस्पिरेशन आएगी, मैं तब लिखूँगी. एंड आप ये नहीं आपको समझ आती कि लिखना जो है इट्स अ डिसिप्लिन, है ना. रोज़ बैठ के, रोज़ इनपुट्स,
तो बहुत कम लिखा। और आयरॉनिकली जसपाल जी अक्टूबर 2012 में गए, दिसंबर 2012 में मेरा फर्स्ट आर्टिकल अखबार में छपा, जस्ट मंथ लेटर। व्हिच लैंग्वेज वाज इन? आई थिंक हिंदी में था, हिंदी में था। मैंने फिर तब से अब तक मैं लिख रही हूँ इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी। सो उन्हीं के लाइक सोच में, बिकॉज शायद वही सोच मैं जानती हूँ, पसंद करती हूँ। बट एंड यू ऑल्सो फील, जब कोई आपको कहता है ना, लिखता है कि मेल में, कि हमें ऐसे शायद जसपाल जी भी कहते, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेज है। इफ समबडी कैन टेल यू दैट, कि नॉट दैट आपको पता है अंदरों से दैट यू नो यू डोंट स्टैंड अ मैच टू हिज टैलेंट, बट जब कोई कहता है इतना से, इतनी से भी बात, कि हाँ इसमें उनका कण नजर आता है, माई डे इज मेड। तो ये फिर हिट जोड़ी हो गई, पर ये फ्लॉप शो तक कैसे पहुंच गई, कि कहां से आया फ्लॉप शो करने का? बिकॉज आपकी सोच जो है, आप दोनों की, कि ह्यूमर करना है लेकिन तो अपने तरीके से करना है, इसमें सोशल मैसेजिंग कहीं मिस नहीं होनी चाहिए, कैसे आया थॉट? आई थिंक इसका क्रेडिट सारा जसपाल जी को जाता है, कि जो वो सोच थी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आप उसका एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढें और उसका कोई मकसद हो। है ना, मैं भी आज तक मैं इस व्यू से कि यू नो फिल्म और सिनेमा और टेलीविजन इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज़ नॉट दैट, अनफॉर्चुनेटली। सो जसपाल जी जब कॉलेज में थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं चंडीगढ़ से, तो इन्होंने उस टाइम पे डिस्कवर किया ये स्टाइल अपना। इनके फ्रेंड्स बताते हैं कि इनके कोई डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट चल रही थी कि नारी के आंसुओं में कुछ ऐसे कुछ टॉपिक था, तो इन्होंने अपना नाम दे दिया। तो ये स्टेज पे चढ़ गए कि नारी के आंसुओं में छुपा होता है बाढ़ को रोकने के लिए बनते हैं डैम में से डैम, भाकड़ा डैम, मतलब ऐसी बेतुकी से एक्सटेम्पोर, मतलब ऐसे यू नो फनी कनेक्शन। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने देखा ये क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला इनको नीचे उतारो। तो उनको नीचे उतारा, तो जो लड़के थे उन्होंने शोर मचा दिया। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप इनको वापस नहीं लेके आएंगे, हम दूसरे कंटेस्टेंट को बोलने नहीं देंगे। अच्छा लगने लग गया था सबको। सो आई थिंक वो एक मोमेंट ऐसा था कि जसपाल जी को, आई मीन ही, वो आप उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब आप उल्टी बात करते हैं तो लोग हंसते हैं। हम व्हेन ही बिकेम फेमस, तो हम एक बारी प्रेस क्लब यहाँ चंडीगढ़ जा रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा ना, वी कुड हियर हिम, आज मम्मा देखो वो अंकल आए जो कहते हैं कि अपने पड़ोसियों के घर में कूड़ा फेंकना चाहिए। मतलब फॉर द चाइल्ड टू रिटेन दैट मैसेज, कि अगर आप उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा कूड़ा देखो ऐसे बुरी बात है यहाँ डालो, वो उसको नहीं, उसके जहन में नहीं रहना था। पर ये बात उसको याद रह गई कि ये पहले अडल्ट है जो उल्टी बात करने की पड़ोसियों के घर में। सो आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज में ही डिस्कवर्ड हिज यूएसपी। क्या सोचकर तुम पीएचडी कर रहे हो? सर मैं तो यही सोच के पीएचडी कर रहा था कि अगर आप कर सकते हैं फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती? अपने गाइड से मुकाबला करते हो? नहीं सर, मुकाबला कौन कर रहा है, मैं तो गाइडेंस ले रहा था सर। अच्छा अच्छा। और बहुत खूबसूरत तरीके से जसपाल जी खुद बताते थे कि जब आप सीधे खड़े होकर दुनिया को देखते हैं तो आपका एक नज़रिया होता है, लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन जब आप सर के बल खड़े हो जाते हैं, आप उल्टे हो जाते हैं, तो नज़रिया भी बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एंड आई थिंक दैट वाज यू नो जो कहते हैं यू हिट बुल्स आए, कि आपको वो समझ आ गया। सो उसके बाद इन्होंने उल्टा पुल्टा किया फॉर दूरदर्शन, फिर इन्होंने उल्टा पुल्टा दिल्ली दूरदर्शन ने भी। सो स्लोली उस विजन को वो एक आपने एक जो चीज़ आपके जहन में, आफ्टर ऑल उसको आपने एग्जीक्यूट भी तो करना है, यू नीड अ प्लेटफॉर्म और यू हैव टू टेस्ट इट ऑल्सो, कि ये सोच सही भी है, ये हंसाएगी लोगों को कि नहीं, और लोग इसे पसंद करेंगे कि, बिकॉज आपने सोच लिया दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो वो इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से, पहले रंग च भंग, उल्टा पुल्टा, फिर और इन्होंने जलंधर दूरदर्शन प्रोग्राम किए, कार्टूनिंग, नॉनसेंस क्लब। सो वो एक, ही वॉज रीचिंग टू फ्लॉप शो,
कि एक आप 22 मिनट की चीज़ कहाँ, 2 मिनट की एक चीज़ और 22 मिनट की आप उसको हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं इसमें कहाँ फिट होती थी, मेरी भी बड़ी फ्लॉप एंट्री है इसमें। मेरी एंट्री एक्सीडेंटल कैसे हुई, जब जसपाल जी जलंधर दूरदर्शन के लिए कर रहे थे शो, तो मैं उस टाइम घर पे आई टू बी एज अ वाइफ कि अच्छा चाय हो गई, आप बैठ के बड़ा इन्जॉय करें, रिहर्सल्स चल रही है, आप देख रहे हैं, आप बोलते हैं कितना आसान काम है ये ना, अच्छा इनसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं होती तो वो यू आर इन दैट स्टेज। जसपाल जी ने एक दिन, अगले दिन जाना था फॉर हिज शूट जलंधर में, तो इनको फ़ोन आया रात को कि जिस फीमेल आर्टिस्ट के साथ आप आ रहे हैं आप उनको मत लेके आना, बिकॉज उनके साथ कोई उनकी फीस की इशू चल रही थी। सो इट वॉज अबाउट 10:30 इन द नाइट। तो इन्होंने कहा कि अब इस टाइम पे मैं किसको किसको लाएंगे, नजर दौड़ाई तो नजर मैं घर पे ही घर की मुर्गी सामने बैठी थी। सो देन ही सेड यू कैन कम, मतलब इट वाज जस्ट उल्टा पुल्टा, मतलब 2 मिनट का होता था उसमें। आप इमेजिन करिए कि मेरी क्या उसमें होगी, आई थिंक हार्डली 30 सेकेंड्स का भी। बट ही टोल्ड मी, ही सेड take this very seriously because as an untrained person, I am untrained, he was untrained, but by then he had got into some sort of disciplining. तो मैं ये सोचती रही कि मुझे क्यों कह रहे हैं, लाइक इट्स सच एन ईजी थिंग, 30 सेकेंड, मैं तो वहाँ जाके ये कर दूँगी, मैं हाथ उठा लूँगी, मैं फिर अपने बाल ऐसे करूँगी। जब मैं वहाँ गई और स्टार्ट हुआ, आई रियलाइज कि मैं हाथ उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा। यू नो यू आर सो कॉन्शियस ऑफ द कैमरा एंड देन यू रियलाइज दैट हम जो हॉल में घुस के पहले 5 मिनट में कह रहे थे ना बकवास, इसको नहीं आता, जब आप वहाँ जाएंगे यू रियलाइज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट। सो दैट वाज माय इनिशिएशन इनटू इट, धक्के धक्का एंट्री। और उसके बाद फिर जैसे शेर को कहते हैं ना, एक बार एक खून लग जाता है ना मुँह में, तो फिर आप शिकार ढूंढते रहते हैं। फिर आफ्टर दैट इट यूज्ड टू बी कि जब कोई स्क्रिप्ट दिखाते थे तो मैं कहती थी मेरा इसमें क्या है, जस्ट रीड द स्क्रिप्ट फॉर, यू आर वरिड ओनली अबाउट योर रोल। जसपाल जी इसमें रोल मेरा छोटा है, आई नो, एक लाइन कभी नहीं, कोई रोल मेरे लिए लिखा नहीं गया कभी भी, कभी विवेक के लिए नहीं लिखा गया, कभी किसी के लिए नहीं लिखा गया। द स्क्रिप्ट वॉज एंटायरली उनकी क्रिएशन, कि इसमें ये वर्सेटाइल विवेक इतना वर्सेटाइल था कि ये इसमें आ जाएगा, अगर वो ऐसी है तो सविता कैन डू इट, इट इज़ नॉट रिटन फॉर मी। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी, एक बहुत बड़ा लेसन है, प्रोफेशनल वे टू डू इट, लेसन आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे स्क्रिप्ट सर्टन ABC इंडिविजुअल्स के लिए लिखी जाती है। तो सुबह मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। सर हमें पता चला है कि आपकी बीवी घर छोड़कर चली गई। तो मैम फ्लॉप शो जब हुआ, क्योंकि हम देखते थे कि जब स्टार्टिंग होती थी, जब क्रेडिट्स होते थे, तो हमेशा आता था मिस डायरेक्टेड बाय जसपाल भट्टी, म्यूजिक डिस्ट्रॉयड, मतलब उल्टा ही, उसमें भी उल्टा होता था, उसमें मेरा क्रेडिट एग्जीक्यूटिव रिड्यूसर होता था। इट वाज लाइक यू आर स्पेंडिंग ऑल द मनी सो यू गेट द रिड्यूसर। ये सारे के सारे उन्होंने ही नॉमेनक्लेचर सारे सब कुछ उनके सब कुछ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ही शुड बी गिवन द क्रेडिट एज अ राइटर आल्सो। यस, कि सब चीजें उनके जहन से ही निकली हैं। एंड आप देखिए कि एक ये सोचना कि 22 मिनट को भी आपने, आपका टाइटल सॉन्ग कितना यूनिक है, वो टाइटल सॉन्ग थ्रू आउट बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज होता था, और उसके अलावा कोई जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं होती थी। फिर आपका एक छोटा स्किट, वो अपने आप में एक स्किट। चाय हम लोग हमेशा इकट्ठे ही पीते हैं, ये तो कहते हैं मुझे चाय पीने का कभी टाइम ही नहीं मिलता, कभी कोई पेशेंट तो कभी कोई। मुझे याद है, पता नहीं क्या, मैंने 7 बजे एक पेशेंट देखने जाना था। फिर आपका मेन जो प्रॉपर एक 15-20 मिनट का, फिर एक पैरोडी। सो आप देखिए कि उसी में ही कोई और फिल्म मेकर होता तो इसके ही 10 एपिसोड एक एपिसोड के बन सकते थे। पैरोडी को भी लिखना, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर HM सिंह जी, उनके साथ जसपाल जी ने खुद लिखी ऑन द सिचुएशन कि हाँ ये और कई बार हमें पैरोडीज याद आ जाती थी, हमें ओरिजिनल गाने भूल गए कि वो मीटिंग कभी तो आएगी, तो वो गाना एक्चुअली वो सुबह कभी तो आएगी, और हमें जब कोई कहता था कि इसका ओरिजिनल गाना, तो लगता था ओरिजिनल गाना चाहिए हमें, तो ये आदत हो छप चुका था ना हमारे, छप चुका था। सो आपका योर हिज फ्लॉप शो
मतलब ऐसे शुरू हुआ कि कुछ उसमें ट्रेंड बंदे, विवेक वॉज ऑलरेडी थिएटर कर रहे थे, बी एन शर्मा जी ऑलरेडी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, कुलदीप शर्मा, विनोद शर्मा जी, पर बाकी जो थे हम सब, आपकी मदर को भी देखा था उसमें, मेरी मदर नहीं है वो मेरे मदर है, आई यूज्ड टू थिंक कि है नहीं, पर मेरे इतना नेचुरल लगता था ना कि लगता है आपकी मम्मी है, वो हमें सबको सबको लगता था कि अच्छा वो जो उसमें उसमें जो एक्टर था वो दूध वाला, मेरे पेरेंट्स को भी लगता है मैं आज गलतफहमी दूर करूंगा थोड़ा, वो कहते थे आपका जो वो घर पीछे दूध देखे गए वो आपका असली दूध वाला, हमने कहा नहीं, इट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, ही यूज्ड टू एक्ट सो वेल, नहीं जो भी है फ्री बॉडी, 34 साल से गलतफहमी में जी रहे हैं कि शी इज अ मदर, थोड़ा सा हल्का सा ना फेस रिसेम्ब्लेंस भी था, तो वो तो फिर जसपाल जी की देखिए आंख की परख देखिए ना, दैट ही गॉट कैरेक्टर्स के आपको लगता था कि एक्चुअली विवेक को बहुत लोग समझते थे मेरे ब्रदर हैं, और ही यूज्ड टू कॉल मी भाभी जी, सो ही यूज्ड टू से भाभी जी मैं तड़प रहा है, मतलब इट वाज अ वियर्ड रिलेशन, सबको लगता होगा ये सच में ही है। आपका वैसे फेवरेट एपिसोड कौन है, कौन सा फ्लॉप शो में अगर आपको उठाना है तो, शादी वाला तो नहीं जब वो लाइफ इंश्योरेंस, वो जो छुट्टी वाला जो हमें इतनी डांट पड़ी थी उसकी, है वी केम होम एंड बिकॉज हिज ग्रैंडमदर वॉज देयर, और पता क्या कनेक्शन, हम दोनों रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो दे टुक इट वेरी इमोशनल, आई ऑल्सो क्राइड फॉर दैट एपिसोड, दे आधा घंटा घंटा शूटिंग रुक गई थी, मतलब जसपाल जी की फोटो टंगी थी ना, हार टंगा था, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज यू आर रॉ ऑल्सो ना, यू डोंट एड, तो वो मुझे जसपाल जी ने कहा कि एवरीबडी इज वेटिंग, डोंट वेस्ट देयर टाइम, सो वंस गेट ओवर इट, टेक 10 मिनट्स एंड गेट ओवर, वो करके, क्योंकि मैंने सफेद कपड़े पहने थे, बाल खुले थे, हाँ, तो घर आए तो हमने तो बता दिया इन लॉज को, इनके ग्रैंड मदर को, हमें इतनी डांट पड़ी कि लोड से ये जा काम करन दी, ग्रैंड मदर सो स्वीट, शी सेड उन्होंने कहो कि ओ वाला पार्ट कट देन, कि मतलब असी नहीं, जस्ट लव फ्रॉम, कितना फनी था उस उल्लू की हिम्मत तो देखो, मेरे जीते जी मेरी बीवी से शादी के सपने देख रहा है। वो शादी का टेट वो म्यूजिक भी चल रहा है, वो सब, और इतना, और विवेक जी ने बहुत ब्रिलियंट एक्टर एंड अ ब्रिलियंट पर्सन, Unfortunately, all they went at the same time. So जसपाल जी ने अपनी असली जिंदगी में से बहुत सारे लोग ले आए कि ये प्रोडक्शन हैंडल कर लेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ अच्छा, काफी लोग इवन प्रोडक्शन में भी वैसे क्वालिफिकेशन है ऐसे नहीं थे, नहीं, वी हैड समबडी वी न्यू, वो ऑल इंडिया रेडियो में बड़े सीनियर पोस्ट पे थे, तो हमें नहीं समझ आ रहा था प्रोडक्शन, तो जसपाल जी सेड कि जोगी साहब तुसी आओ प्रोडक्शन हैंडल करो, एंड पीपल बाई सेक्टर में उस टाइम पे देयर यूज्ड टू बी दिस ह्यूज जेंटलमैन, वो ना रुमाल बेचते थे, तो वो उनको ले आए कि हाँ मैं वन ऑफ द पैरोडीज में मैं इनको यूज करूंगा, जसपाल जी की सिस्टर आ गई, मेरे पेरेंट्स को ले आए एक बारी, मेरे फादर को, मतलब उन्होंने ना एक्चुअली ह्यूमिलेट किया कि वो जो चीफ गेस्ट वाला है मेरे फादर को पहले बिठा दिया, तो कहते मैं जब आवांगा ना फिर मैं तानू सीट तो उठावांगा, मतलब सो वो आपके फादर, वो मेरे फादर हैं, एंड माय मदर इज आल्सो देयर इन द सेम रो, दूरदर्शन पे उस टाइम पे स्लोली हमें इंडिकेशंस आनी शुरू हो गई, बिकॉज आपके TRPs निकलती थी, एक टाइम पे आर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर यूज टू बी द हिंदी फीचर फिल्म, एंड उस टाइम पे आई थिंक टीपू सुल्तान का भी है ना, एंड एट वन वीक, एंड इमेजिन आप 10 एपिसोड्स में ही आप TRP के लिए कम्पीट कर रहे हैं, नहीं तो आपके पहले इनिशियल 6-7 एपिसोड्स तो वैसे आजकल कोई सेट करने में, लोगों को समझने में लग जाएगा, एंड एट वन टाइम फ्लॉप शो वाज एट नंबर 1 विद 77 TRP आपकी थी, जो आजकल सैटेलाइट में आप देख लीजिए 0.7 भी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है, 1.7 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 77 I don't think so, ऐसे इतनी हुई है, हाँ, because even सास भी कभी बहुत थी जब आता था शक्तिमान, that used to be 20-25, हाँ, but आप उस टाइम पे देखिए कि दूरदर्शन की रीच देखिए, हाँ, and it's a very sad thing कि दूरदर्शन ने कभी अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज किया टू रीच द मासेस, तो मैम फिर उसके बाद जब सब मच गए, सब जानने लग गए, फिर जब सेटल हो गए, फिर फुल टेंशन प्लान किया,
फुल टेंशन में प्रोडक्शन भी बेटर होनी चली गई क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया था और बहुत अच्छा उसको रिसीव किया गया था। इनफैक्ट सुनील ग्रोवर जो आज के छाए हुए नाम है उनको शायद वो बड़ा ब्रेक वो उसी से मिला था। हाँ, क्या एक्सपीरियंस था फुल टेंशन का? फुल टेंशन एक्चुअली उस टाइम पे हमारे लिए इट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि दूरदर्शन ने कोई कैटेगरी शुरू कर दी थी स्पॉन्सर्ड, सो इसके लिए हमने वी हैड टू अरेंज फॉर स्पॉन्सर्स, सो वो बहुत मुश्किल था, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और दूरदर्शन अपना यूजुअल मतलब बीच में अचानक जैसे फ्रेंच ओपन आना चैम्पियनशिप्स कुछ आई या विम्बल्डन आया, आपका सडनली योर सीरियल इज ऑफ एयर, व्हेन इट कम्स बैक अगेन, अब व्यूअर्स को तो थोड़ा ना पता कि ये दोबारा आएगा। होता ना कि कोई नेता मर गया तो जी शोक सभा में पूरा दिन खत्म हो गया, वो अगले दिन आएगा, ऐसा होता था। आई मीन इट वाज सो एरेटिक एंड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू अरेंज फॉर स्पॉन्सर्स, एंड वो हमारे लिए फाइनेंशियली इट वाज नॉट अ वायबल प्रोजेक्ट एट ऑल। समझदार डॉक्टर की निशानी क्या है? उसने स्फेद कोट पहना हुआ हो और उसके पास स्टेथोस्कोप वगैरह वगैरह। बस रहने रहने दो। हाँ बेवकूफ जी, समझदार डॉक्टर वही है जो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद अपनी सारी कैंचियां गिन ले। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ठीक है। वो तो अब क्योंकि आफ्टर हिम फुल टेंशन हमने उनके टाइम भी कंपनीज को दिया, कंटेंट है हमारे बेटे जसराज ने बहुत फुल टेंशन की चीजें अब डाली हैं अपने चैनल पे जसपाल भट्टी और मैड आर्ट्स के चैनल पे, जहां से आपको अब इट हैज फाइनेंशियली बिकम वायबल, उस टाइम पे नहीं था। बट आई थिंक क्रिएटिविटी या आपकी सोच वो रुकती नहीं है, इट इज़ अ सेटबैक, बहुत बड़ा उस टाइम पे बहुत बड़ा फाइनेंशियली हमारे लिए सेटबैक था। बट ये था कि बिकॉज ही हैड हिज नॉनसेंस क्लब भी था, फिल्म्स के ऑफर्स फ्लॉप शो के बाद जसपाल जी को बहुत आए। एक दिन किसी का फ़ोन आया कि मैं मिस्टर कमल हसन बोल रहा हूँ, तो जसपाल जी ने कहा कि अच्छा अच्छा कोई नहीं, हाँ हाँ ठीक है, रख दिया फ़ोन, रख दिया। देन ही सेड, नहीं ही सेड, अच्छा मुझे बताइए आपका नंबर क्या है, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया ये, तो इन्होंने फ़ोन रख दिया, इनको लगा कि प्रैंक कॉल होगी। इन्होंने फिर नंबर डायल किया तो एक्चुअली कमल हसन जी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में कोई फर्स्ट वो बनाना चाहता हूँ फिल्म, इट्स अ रीमेक ऑफ सम जसपाल जी, उस टाइम पे आप लौट चले आर के बैनर इनको 98 हाँ, तो वो ऑफर हुआ था। तो ही सेड कि मैं दिस आई कांट कम इन एज अ राइटर, बट ही वाज सो मतलब आप एक फैन मोमेंट होता है ना आपके, मतलब एक दीज आर लेजेंड्स हुम वी हैव सीन एंड वी एडमायर इवन टिल टुडे, तो वो फैन मोमेंट में जसपाल जी ने यूनिवर्सिटी में से वो फिल्म, मुझे अब याद नहीं है कि वो कन्नडा में थी या तेलुगु में, बट उनका प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में ढूंढा उस फिल्म को, हमने उनको घर बुलाना रोज़ उनको उनकी डॉटर को ट्रांसलेट करके कि लाइक वी कैन आई कैन डू दिस फॉर यू, आई कैन ट्रांसलेट इट, आई विल नॉट बी एबल टू राइट, बट इट्स दैट फैन मोमेंट है ना कि मतलब लाइक आई वांट टू डू दिस फॉर यू। एंड इट्स नॉट इजी बिकॉज दूरदर्शन अगर कमल हसन ने देख लिया, अगर फ्लॉप शो और देखा, तो बहुत बड़ी बात है कि उनके तक बात पहुंची, उन्होंने देखा। एग्जैक्टली एंड ही वाज उस टाइम पे आपको स्टेज शोज के भी ऑफर, तो पहले तो बहुत ना किया, नहीं स्टेज शोज इज नॉट समथिंग, इवन वेडिंग्स इवन ये नहीं, बिकॉज आई थिंक आपकी सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कोई काम, आई थिंक छोटा बड़ा इफ इट गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन व्हाई नॉट। But slowly he realized ki maybe it is a platform also for connecting with the audience. Fir humne dheere dheere stage shows shuru kiye and film fair humne kiya, which was for us one of the aapke jaise kehte ho na ki aapke matlab aankhe aur muh ke acha, oh my god, I mean everybody is here in one place. Aur wo zamana tha ki jab actually ek do awards functions ही होते थे उस समय, actually पूछा जाए तो film fair ही था, ही होता था हाँ, और या national award था बस और कुछ नहीं होता था, तो it had that कि everybody was there and I remember film fair ने उसको cover किया था entire event को। भट्टी साहब, जिस तरह भ्रष्टाचारी का ही बोलबाला होगा, हर तरफ corruption ही corruption है, तो बेचारा एक आध ईमानदार आदमी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा,
उसकी सोसाइटी में जगह कहाँ होगी? उसकी जगह जू में होगी जी, चिड़ियाघर में। लोग छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को ईमानदार आदमी दिखाने लेके जाया करेंगे। और जसपाल जी की भी फोटो कहीं लगी थी, और बीच में जो वो एक बॉक्स आइटम होता है उसमें लिखा हुआ था कि लता मंगेशकर जी वॉज क्लैपिंग व्हेन ही वॉज परफॉर्मिंग। बस वो तो ऐसे था कि ऑल हिज लाइफ ही केप्ट सेइंग देयर आर टू पीपल आई वांट टू मीट इन माय लाइफ, एक आर के लक्ष्मण साहब और एक लता जी। ही कुडंट मीट हर, खुद पहले चले गए बट लक्ष्मण साहब को मिले, ही वेंट पूना। बट बाय दैट टाइम लक्ष्मण साहब थोड़े से अनवेल रह रहे थे, बट उनको एक मन में था कि मैंने ये, इन्होंने मुझे बनाया है। आई मीन इंस्पायर्ड 100% इंस्पायर्ड एवरीबॉडी। व्हाट अ मैन, कि आप देखिए कि एक हिंदुस्तान की अखबार में, लीडिंग अखबार में 40-50 साल आपका, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द न्यूज़ एवरीबॉडी रोज करते जाना। और अभी भी हमारे पास फाइल्स पड़ी है कटे उनकी, जसपाल जी यूज्ड टू मतलब लाइक रियली आइडल वर्शिप, मतलब फॉर हिम इट वाज अ फैन बॉय मोमेंट। इट वाज एंड आई थिंक मैं ये भी बहुत जगह कहती हूँ कि बहुत डिपेंड करता है कि हमारे आइडल्स कौन हैं, हुम इज़ इट, हमें इंस्पायर कौन कर रहा है। सो आपकी सोच भी फिर वैसे ही होगी। सो आई थिंक जो वो सोशल मैसेजिंग का, जैसे आपने पहले पूछा था, चार्ली चैपलिन ऑफ कोर्स इज अल्टीमेट नंबर वन फॉर मी ना अभी। आप मतलब कहाँ 90 सी इज वो, आपने आई डोंट नो वेदर आपने सीन मॉडर्न टाइम्स, हां वो अनबिलीवेबल। आप देखिए 1920s में बनी है, अभी तक उसको कोई रेप्लिकेट नहीं। एस्केलेटर है मैम, आई सॉ, आई रिमेंबर उसमें एस्केलेटर तो आज हम देखते हैं, उस टाइम पे उनके एस्केलेटर था मैम। नहीं, और देखिए वो जो मशीन भी बनाई जिसमें जाके इनका सिर, आज तक नहीं आप AI या किसी और, बट अदरवाइज नोबडी हैज बीन एबल टू इवन 100 years। एंड आई थिंक जो एक बहुत बड़ी सीख, और मैं जसपाल जी के काम में भी ये देखती हूँ कि जैसे लक्ष्मण साहब हैं या चार्ली चैपलिन है, दे नेवर मेड फन ऑफ एनीबडी, they made fun of themselves in the situation. In fact, माहौल ठीक है पे बात है, माहौल ठीक है की बात करें, बिकॉज उस वो समय ऐसा था जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कुछ बहुत ग्रोथ नहीं कर रही थी, एक तरह से स्टैटिक था, मूवीज आ रही थी, लेकिन जसपाल सर ने फिर एक तरह से रेनेसांस लाया उस पूरी इंडस्ट्री में, माहौल ठीक है ने कई लोगों को थिएटर में जाने पर मजबूर कर दिया और इंडस्ट्री एक तरह से किक ऑफ कर दी। हाँ जी। इसका क्रेडिट भी उनको ऑनेस्टली नहीं मिलता, बिल्कुल। तो माहौल ठीक है से कैसे चीज़ें बदली हैं पंजाबी इंडस्ट्री को, मैम कैसे फ़ायदा हुआ, आपने बड़े क्लोजली देखा उसको। हाँ जी, माहौल ठीक है, एक्चुअली माहौल ठीक है से पहले वरिंदर जी जो बड़े उस टाइम के सुपरस्टार थे, ही वॉज उन्हें मार दिया गया था और मिलिटेंसी आ गई थी, सो वो माहौल बिल्कुल ही नहीं था। चमकीला से शुरू होकर फिर वरिंदर जी पे बहुत था, बिल्कुल ही वो माहौल था नहीं। तो आई वुड से कि जसपाल जी की वो पता नहीं क्या अंदर से, आई डोंट नो व्हाट इट वाज दैट प्रॉम्प्टेड हिम, शायद मुझे लगता है उनको किसी ने ये भी किसी टाइम मेंशन किया था कि आप, क्योंकि ज़्यादा काम ये हिंदी में कर रहे थे, तो किसी ने इनको ये भी कहा कि आपको अपने, यू शुड गो बैक टू योर रूट्स। आई डोंट नो उस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया, क्या किया और क्यों इन्होंने पंजाबी, बिकॉज आप अंदर नहीं ना सोच के जा सकते वो क्या उस दिमाग में चल रहा था। सो जब माहौल ठीक है लिखी, आप अभी मतलब मिलिटेंसी से बाहर निकले हो, पुलिस का इतना दबदबा है ना, पुलिस के उनके ऊपर फिल्म बनाना, ऑन द पंजाब पुलिस, करप्शन को सेंटर एक थीम रखा, आई थिंक वेरी गुड टुडे, इवन टुडे आई थिंक आप OTT जो मर्जी, आप बहुत सारे अब एरियाज एक्सप्लोर हो रहे हैं, पर मैं फिर भी मानती हूँ कि ऐसी करेज किसी में, किसी फिल्म मेकर में नहीं है जितनी जसपाल जी में। और राज बब्बर जी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द फिल्म वी हैड। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो जसपाल जी ने कहा कि सर आप पहले शुरू करिए, तो उनकी ओपनिंग लाइन ये थी कि जसपाल भट्टी पागल है।
He said, इस माहौल में पंजाबी फिल्म बनाने की कौन सोच सकता है. बट वही है, इट इज़ योर कन्विक्शन एंड एक आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ है आपकी, एक इनर कोर कि मैंने ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये करना, चाहे कुछ भी हो जाए. आप इमेजिन करिए जब माहौल ठीक है रिलीज हुई, तो पहले हफ्ते हम गाड़ी बत्रा सिनेमा में लगी थी, तो उसके सामने ना पेड़ थे, तो हम गाड़ी में बैठ के ना चुप की रिस्पॉन्स वी वुड सिट एंड सी. और उस टाइम हमसे देखिए कितनी चीज़ें आप ना समझी कर जाते. आजकल तो देर इज़ अ वेल ऑयल्ड मशीनरी और फिर भी फिल्म नहीं चलती. उस टाइम ये नहीं सोचा कि ये उस टाइम धुंध का टाइम होता है पंजाब में, सर्दियों का टाइम था. इट वॉज डिसम्बर 18th जब, तो वो धुंध में और जो लोग आ रहे होते थे तो लगता था इनके ना जाके पैर पकड़ लो कि हम कभी नहीं अपने घर से निकलते टू सी अ पंजाबी फिल्म इन दिस काइंड ऑफ वेदर. पर लोग आए एंड फिर हमें लगता था कि इनको जाके हम हाथ मिलाए इनसे, हाई प्लीज थैंक यू सो नाइस ऑफ यू टू कम. बट आई थिंक दैट वॉज द करेज दैट स्पोक. और जसपाल जी का हमेशा बड़ा इनोवेटिव तरीका होता था पब्लिसिटी करने का. सो इन्होंने क्या किया कि एक कार्टून कॉम्पिटिशन रखा कि लोगों से इन्वाइट की एंट्रीज कि आप पुलिस अट्रॉसिटीज़ के बारे में हमें कार्टून्स भेजिए. एंड हु आर द जजेस? पंजाब डीजीपी, हरियाणा डीजीपी एंड चंडीगढ़ आईजी. सो मतलब पुलिस वाले खुद ही करे, पुलिस वाले खुद अपने ऊपर कार्टून्स देख रहे हैं. बट दे वर सो ग्रेशियस, दे वर सो नाइस एंड दे एंजॉयड द प्रोसेस. हमें बहुत सारे लोगों ने, पुलिस ऑफिसर्स ने बोला कि सर असी ताड़ी फिल्म देखी है पर इन प्लेन क्लोथ्स, वी डिडंट वेयर द यूनिफॉर्म. गवर्नर ऑफ उस टाइम पे जो थे उन्होंने आके फिल्म देखी एंड आई थिंक दैट इज़ वाई जसपाल जी चंडीगढ़ में हमेशा ऑल हिज वर्क वॉज हियर, बिकॉज आपको लगता था कि ये मेरी जगह है, आई नो द पीपल हियर, मैं यहाँ की नब्स जानता हूँ. फ्लॉप शो के टाइम आर मुहूर्त शॉट हैड अ ब्लैक कैट, है ना? कौन सो सकता था? और उस टाइम पे ढूंढना कि किसके पास काली बिल्ली है, पता नहीं कहाँ से ढूंढा कि देयर वाज दिस लेडी, शी हैड उनके पास, फोटो इज देयर, मैं आप जरूर दिखाऊंगा. अनबिलीवेबल, 6-7 बिल्लियां थी, तो उनको बोला कि वो एक काली है तो आप ले आइए. अच्छा जसपाल जी बड़े कॉन्फिडेंट और बाकियों की शक्लें देखने वाली थी, काली बिल्ली लगा रहे हो, वो कहते कहते आप नहीं विश्वास करते, हम तो करते, हमारा क्या होगा. बट द शो वेंट ऑन टू बी एन आइकॉनिक. तो माहौल ठीक है के लिए इन्होंने जो नेगेटिव कटिंग होती है ना, व्हेन द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द फिल्म कम्स, तो वो बड़ा एक पायस ओकेजन माना जाता है कि या तो प्रोड्यूसर के मदर या फादर साहब आ गए, या सेलेब आ गए, या आप एक यू नो यू समबडी हुम यू वांट देयर ब्लेसिंग्स. तो ये वहाँ से पता नहीं किसी को वो ले आए जो बुचर नहीं होते, तो उन्होंने आके ऐसे रीले काटी. एंड वंस आई रिमेम्बर ही हैड उस टाइम पे कैसेट्स भी निकलती थी, तो मंडी हाउस में जो दूरदर्शन का था, वहाँ मंडी हाउस के पीएन से इनॉग्यूरेट करा कि उन्होंने उसके जो थे वो इनॉग्यूरेट किए. तो पावर कट के टाइम जो उनकी लास्ट फिल्म थी उसमें भी उन्होंने उसको बड़ी कलरफुल सी बना के कुर्सियाँ रख दी बीच में, विच ही यूज्ड इट आल्सो इन द फिल्म. वैसे उनका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कनेक्शन था और उन्होंने बनाई पावर कट. अगेन उस वो अपन पहले अपने पर फिर किसी और पर, जो जिसे हम कहते हैं कि मजाक या व्यंग जो जिसे करते हैं. हाँ. और जो फेमस उनका एक बार हुआ था जब कुछ करप्शन के लिए उन्होंने घोड़े पर बैठ कर गले में सब माला एक तरह से बना कर चीजों की महंगाई की जो थी, वो उनका नॉनसेंस क्लब का एक्ट था और उसमें उस टाइम पे पेट्रोल महंगा हुआ था. सो ही सेड कि अब मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, सो अब मैं घोड़े पे दफ्तर जाया करूँगा, एक तो मुझे पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी और खाने पीने की भी नहीं, क्योंकि घोड़ा घास खा के चलान भी नहीं होगा, नंबर भी नहीं है घोड़े का. सो ब्रीफकेस पकड़ा हुआ है. And, again an iconic वो picture है, iconic. और and I think nonsense club में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आप
टेलीविजन या फिल्म के फॉर्मेट में नहीं कर सकते थे, है ना? जो आज रील जो बन रही है ना, वो एक्चुअली वो मैटर वो है जिसके आज वो है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे अब उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, एक रात को मुझे बॉम्बे में थे तो फ़ोन आया कि ऐसे उस टाइम पे वन ऑफ द सेलिब्रिटीज़ हैड गॉट मैरिड द सेकेंड टाइम। ओके। सो ही सेड कि सविता घबराई ना, मैं आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सेइंग कि अगर एक्टर्स को ये प्रिविलेज है कि ये दो बार शादी करा सकते हैं तो मैं भी एक्टर हूँ, मुझे भी मौका दिया जाए। नीचे फिर एक नोट ऐड किया कि अगर कोर्ट मतलब मेरी ये डिसमिस करती है, आई एम वेरी हैप्पी विद माय फर्स्ट वाइफ। तो ये इन्होंने मेरे को पहले बता दिया, नहीं बताया होता तो आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। एंड द लेटर नेक्स्ट डे इट केम इन द अखबार में आ गई कि ऐसे ऐसे जसपाल भट्टी पिटिशन्ड की जी ऐसे मतलब उनको सेकेंड वाइफ चाहिए। और दुनिया देखिए, उनकी सोच देखिए, हमारे नेबर्स बॉम्बे में, नहीं नहीं भट्टी साहब तो बहुत शरीफ लगते थे, कैसे कब हुआ ये, अच्छा उनकी तो जोड़ी बड़ी अच्छी थी, अब वो क्या करेंगी, ऐसे नो बडी इज़ रेडी टू बिलीव कि ये नहीं हो सकता, एवरीबडी इज़ रेडी टू बिलीव कि ये हो हुआ है क्योंकि उन्होंने लिखा तो उनका क्रेडिबिलिटी है कि ये होगा। जसपाल जी के फ्रेंड्स यहाँ पे टेंशन में, वो कहते हैं कि अगर सविता जी का फोन आया, उन्होंने कहना है कि विनोद जी तानू ते पता होना चाहिए जसपाल जी के नाल फिर रहे सीगे, तुसी सब अपनी टेंशन में घूम रहे हैं। एंड थैंकफुली आई न्यू, सो आई वाज हैविंग अ लाफ सिटिंग एट होम। ऑफ कोर्स द नेक्स्ट डे यू गॉट टू नो। फिर इन्होंने जैसे महंगाई की, द व्हाई आई एम यू नो टेलिंग यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉनसेंस क्लब इज ऑल्सो, आप देखिए अगर टमाटर अगर 50 रुपए किलो हैं और अगर 100 हो जाते हैं, हमें कितना फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा पड़ेगा पर इतना नहीं, इतना नहीं कि आप घर से बाहर निकल के 17 सेक्टर खड़े होके इसको एक इशू बनाए, एक नेशनल इशू बनाए। दैट वाई व्हाट प्रॉम्प्टेड उनको, मतलब क्या चीज़ थी उनको जो धकेलती थी कि दैट आप वहाँ खड़े होके एक आम आदमी की आवाज़ उठाइए, बिकॉज कोई नहीं करता। कि अगर सेलेब आप ऐसा करें, आप आपको इट्स एन एक्ट, इट्स एन एक्ट, और आप पब्लिक के बीच में पब्लिक ले कर रहे हैं। हाँ हाँ। और जब प्याज महंगे हुए तो चिट्ठी लिख दी पुलिस को कि मुझे ना कमांडोज चाहिए, मैं मंडी से 1 किलो प्याज लेने जा रहा हूँ। जब दिवाली आई तो अपनी सिस्टर्स को दाल के पैकेट्स दे दिए कि महंगाई बढ़ गई, अब मैं यही दे देता हूँ। जब सब्जियाँ महंगी हुई तो मुझे वो वेजिटेबल ज्वेलरी टमाटर के हार पहना दिए। वो प्रोग्राम हमारा इतना हिट हुआ कि जब वहाँ पे चैनल्स थे 17 सेक्टर में, उन्होंने कहा कि आप हमारे स्टूडियो आइए। सो ऑल ऑफ देम इनवाइटेड, एक एक करके हम जाते रहे। और वो जो टमाटर थे वो इतने ज़्यादा मेरे गले में थे कि जहाँ जहाँ हम जाते थे एक एक टमाटर कहीं गिर जाता था स्टूडियो में। हाँ। तो स्टूडियो वाले बड़े खुश कि ये ऐसे गेस्ट आने चाहिए जो इतने महंगे टमाटर हमें देके जा रहे हैं। एंड आई यूज़ टू, मैंने बड़ी बारी उनको ये मतलब मुझे लगता था कि नॉनसेंस क्लब में ये अपनी एनर्जी ज़ाया करते, बट व्हेन ही वेंट अवे you realized that there were so many people who told us ki 22 sector mein chandigarh mein people jo boot polish karte hain unhone apni dukane band kar di wahan se unse boot ki hum we will go there bahut sare log maine ye nahi karna aaj maine that it was because of nonsense club matlab hamari awaaz ki ahmiyat hai that you know we this is pinching us and there is somebody who feels our pain. So I realized that how wrong I was aur main kitni galat thi is cheez ko leke. Aur Jaspal ji ke baad nonsense club ko main aise nahi kar payi jaise karna chahti thi. Aur bahut log sochte hain ye koi bahut formal club hai, hamein bade phone aate hain ki iski koi membership, main kuch nahi, hamein khud nahi pata members kaun hai jo like minded log khade hoke baat kar sakte hain. Ek ek baby aapka aur hai Mad Arts aur bahut pyar se aapne sab aapne sambhala hua hai, aapne dono ne hi shuru kara tha. To Mad Arts kaise shuru kiya, halanki hame pata hai kyun shuru kiya tha, wo kyun nahi puchhenge, par kaise shuru hua?
2007 में जसपाल जी ने शुरू किया था एंड मीडिया एंड डिजिटल आर्ट्स के। इनिशियल जो इनका कॉन्सेप्ट था वो था जैसे जोक फैक्ट्री, कि मैं ह्यूमर का हर एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ, कि यहाँ कार्टूनिस्ट्स भी हों, सटायर करने वाला भी, कुछ छोटी जैसे रील्स हैं, फिल्म्स बने, एवरीथिंग कनेक्टेड टू ह्यूमर अंडर वन, एवरीथिंग इज अलाउड। बट वो इट डिडंट टेक ऑफ लाइक दैट। वो हमने फिर उसका एक टीचिंग पार्ट किया कि जहाँ हम इस रीजन के बच्चों को एक बेसिक फिल्म ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि क्या है कि आप उस एरिया में हैं, जैसे अब हिमाचल है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, कि अगर यहाँ कोई बच्चा ट्रेन होना चाहता है तो या तो उसे दिल्ली जाना पड़ेगा या बॉम्बे। उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हों ना हों, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आप वहाँ जाना भी चाहते हैं, तो आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है, एक सही सोच कि आप इस इंडस्ट्री में पैर रख रहे हैं। सो बेसिक पर्पस ये था। सो हमने एक तो टीचिंग पार्ट था कि जहाँ डिफरेंट कोर्सेज हैं, एक्टिंग है, एडिटिंग है, डायरेक्शन है, रेडियो जॉकिंग है, 18 में बंद कर दिया। तो दूसरा पार्ट था प्रोडक्शन पार्ट, तो वो पार्ट अभी भी चलता है। हाँ, और अब स्टूडियो को जो मैड आर्ट्स है उसको बेटा हमारा जसराज देखता है, और उसके इसको आई थिंक थोड़ा सा कुछ उसमें और चेंजेस बदलाव भी ला रहे हैं स्टूडियो में। बहुत चेंजेस ला रहे हैं, और एक बड़ी एक नई सोच और एक फ्रेशनेस के साथ जसपाल जी का भी काम। जैसे अब बहुत सारा आप डिजिटल जो कंटेंट जसपाल जी का देखते हैं वो सारा जसराज का क्रिएट किया हुआ है, एंड अभी ही इज गोइंग टू मेक ऑल्सो जो अगली फिल्म जसपाल जी ने बनानी थी, व्हिच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड भट्टी साहब ने कभी भी पॉलिटिकल साइड नहीं ली, हूएवर ही वोटेड उन्होंने कभी भी बायसनेस नहीं दिखाई। लेकिन अन्ना हजारे मूवमेंट में कुछ एक बात है जो बहुत शायद कम लोगों को पता है, शायद पता ही नहीं है लोगों को, क्या बात है मैम प्लीज बताइए। जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट था जंतर मंतर में, और जसपाल जी उस टाइम चंडीगढ़ में थे, तो केजरीवाल जी का फ़ोन आया जसपाल जी को कि भट्टी साहब आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, आपने तो ये मुहिम शुरू की है, यू शुड बी इन दिल्ली। फिर जसपाल जी ने दिल्ली जाके फॉर अ शॉर्ट टाइम वो भी वहाँ जाके बैठे थे। फिर अनबिलीवेबल, और आपने जब आप थोड़े टाइम के लिए आपने ट्राई किया इस पॉलिटिकल उसको एक एक सर्किट को, हाँ जी, तो आपका क्या उसमें एक्सपीरियंस था, आपको शुरू में आपको कैसा लगा या क्या समझ आया आपको? देखिए इंटेंशंस तो आपकी वही थी कि आप एक सोशल एक्टिविज्म को ही जो जसपाल जी के ज़रिए आपने देखी उसी को आगे लेना चाहती थी, बट एक किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको उसके लिए ट्रेन होना और वैसे ही इन सिंक होना कि वहाँ क्या चीज़ सही है, आई वॉज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर इट। सो जब मुझे लगा हफ्ते के बाद कि नलायकी के कण हैं, तो मैंने कहा इससे पहले कि और कुछ पता चले मैंने छोड़ दिया था। सो दैट वॉज जस्ट अ ब्रीफ स्टिंट, टच एंड गो, कभी कोशिश भी नहीं। अभी जसपाल जी को भी बहुत हर इलेक्शंस में आते थे, मुझे भी अब आते हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, हमने अपना सबक सीख लिया है, घर में छोटा सा कॉलम लिख के खुश है। नहीं, अब आपके मन में कुछ ऐसी इच्छा है कि लगता है यार ये अभी रह गया, इसको भी करना है? देखिए करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, अभी भी आप में जिंदा है थोड़ी सी, एक छोटी सी सोच हो, एनर्जीज जो हैं वो है ही हैं। सो प्रोफेशनली पर्सनली जब तक जिंदा है, जब तक सांस है, तब तक कुछ ना कुछ है। एंड एक मैं जसपाल जी के ऊपर किताब लिख रही हूँ, जो ज़्यादा फोकस है वो नॉनसेंस क्लब, क्योंकि वो पार्ट और वो जो एक पर्सपेक्टिव है जसपाल जी का और जो उन्होंने किया, वो लोगों को शायद कम पता है उसके बारे में। सो वो और उसमें ऑफ कोर्स दैट विल बी इन इंग्लिश और हिंदी, दैट विल बी इन इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में, और उसमें वो मेरे नज़रिए से है किताब, कि उस टाइम पे ऐसे हुआ या कोई और चीज़
फ्लॉप शो से ही कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट होगी, वो मेरा नज़रिया है। और वो मेरी कोशिश है कि आज आपकी फैकल्टीज़ ठीक हैं, कल ना हो तो वो जो आपकी हिस्से की मेमोरीज़ हैं वो धुल ना जाए। सो दैट इज़ माई पर्पज़, दैट पार्ट आई नीड टू डू। सो वो कब हो गए क्योंकि काफ़ी सालों से मैं लगी हुई हूँ, छोड़ देती हूँ बीच में, बट आई वॉन्ट टू डू दैट सीरियसली। फिर मैंने एक 2016 में जसपाल भट्टी ह्यूमर फेस्टिवल शुरू किया था चंडीगढ़ में, और उसमें कोशिश थी कि जैसे अब स्टैंड अप बहुत चल रहा है, सो मुझे आई डिडंट वॉन्ट कि ये सिर्फ स्टैंड अप का एक फेस्टिवल हो, मुझे था कि एक कॉमेडी एक जॉनर जो है उसके अम्ब्रेला के नीचे क्या क्या आता है। जैसे अगर पंजाब में यू नो पंड है तो जोकर्स हैं, क्लाउन्स हैं, बच्चे मीम आर्टिस्ट हैं, फिर मिमिक्री कर रहे हैं, कुछ स्टैंड अप भी हैं। तो हमने 2016, 17, 18, 19 फोर ईयर्स हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया, और बड़े सक्सेसफुली जसपाल जी के जन्मदिन पे 3 मार्च को इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। सो उसमें जो जो इन लैंग्वेजेस के वेल नोन नेम्स हैं सभी आए, और बड़े प्यार से बिना कोई बैगेज एंड कोटिंग द रेट्स, ऑल आउट ऑफ लव फॉर जसपाल जी, बहुत सभी ने पार्टिसिपेट किया। वो कोविड करके हमें उसे बंद करना पड़ा। सो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि वो एक चीज़, क्योंकि वो क्या होता था कि अगर 3rd को बर्थडे है तो हफ्ता पहले दी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टर्स लगा देते थे कि हाँ ये इवेंट जैसे आता है जी। तो वो ऐसे लगता होता था कि ये शहर पूरा उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है हफ्ते के लिए। तो मैं कहती थी, मैं कह जसपाल जी हम लोगों का तो एक दिन ही होता है, आप लोग आप 7 दिन से। सो वो एक बड़ी अच्छी जैसे शहर उनके रंग में डूबा हुआ ना। एंड पर्सनली मैं, बच्चे 2 हैं जसराज राबिया, तो एक हैप्पी स्पेस में हूँ, क्रिएटिव बच्चे हैं दोनों, अपनी अपनी कॉलिंग जो जो करना। जसराज एक फिल्म मेकर हैं, अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं। बेटी मेरी जो है वो फैशन डिज़ाइनर है, हैंड पेंटेड कपड़ों का उसका एक बड़ा यू नो बारोक स्टाइल ऑफ आर्ट वो कर रही है। और एक द जैसे कहते हैं ना एप्पल ऑफ माय आई, माय ग्रैंडसन सैभंग सिंह, उसने बहुत बहुत सारी जो कहते हैं ना जख्मों पे मरहम लगाई है, और बहुत ही मेरे इनफैक्ट कई मैंने एक दो वीडियोस भी अपने इंस्टा के पेज में उसके साथ डाली हैं। बहुत प्यार वाला बच्चा, और बिकॉज ही इज़ माय ग्रैंडसन इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि इज वन इन अ मिलियन द काइंड ऑफ जो जैसे वो सबसे प्यार लेता है। सो उसके लिए बहुत बहुत दुआएं, आज भी कल मैं नहीं होंगी तब भी सबसे ज़्यादा दुआएँ उसके लिए कि खुश रहे। एंड I just want to take this platform to say thank you to you कि आप एक जो जर्नी को, अपनी जर्नी को याद करते करते वो एक आप में एक नई एनर्जी आती है, नई स्ट्रेंथ आती है। दैट आई रिमेंबर वंस आई वॉज समवेयर एंड जसपाल जी की बात किसी ने की तो आई स्टार्टेड क्राइंग। सो यू सर नहीं आप रो नहीं सकते, मैंने कहा क्यों, कहते जिस शख्स ने सारी दुनिया को हंसाया आप उनकी वाइफ हैं। सो वो चीज़ जो उनके जाने का दुख है और उसके बाद का जो खालीपन है वो तो दैट इज़ ट्रबलसम, दैट इज़ देयर, पर जो वो चीज़ें पद्म भूषण अपने काम के लिए मिला वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहते हो कि गॉड यू आर सो काइंड एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने हमें प्यार दिया। यू ब्लेस्ड मी, माई फैमिली, माई चिल्ड्रन, आज अगर हम खड़े हैं तो आप सब लोगों करके हैं। थैंक यू। और शायद कहीं ना कहीं हम अगर खड़े हैं तो वही वैल्यूज़ के साथ जो आपने और भट्टी साहब ने स्क्रीन पर इतने साल पोर्ट्रे किया, और हमें यकीन है आप और जसराज राबिया भी उसको पोर्ट्रे करेंगे। थैंक यू सो मच। टाइम कहाँ चलेगा नहीं पता चला, इतनी बढ़िया चीज़ें हमें पता लगी और बहुत हमने एंजॉय किया। आई होप आपने भी एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत। एंड मैं बताना भूल गई कि मुझे लोग हमेशा आके पूछते थे
आप उनकी रियल वाइफ हो? नहीं, रियल है, रियल है, रियल है, हमने पेपर्स देखे हैं, रियल है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल, रियल और रियल वाइफ दोनों, और रियल दोनों है. थैंक यू सो मच मैम, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू अंकित. थैंक यू.